स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और एक्सरसाइज 3A से आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ। कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है दो बॉडीज के बीच में, सर्टेन सेपरेशन यानी डिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, दैट इज 10 न्यूटन है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम अगर सेपरेशन जो है रिड्यूस कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, यानी जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब सेपरेशन इसमें नहीं दिया हुआ है तो इसमें डिस्टेंस तुम क्या ले लो कि डिस्टेंस को आर ले लो। अब F1 कितना दिया हुआ है, वो तुम्हारा 10 न्यूटन दिया हुआ है। तुमको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 10 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में आर का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा पहला। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि नाउ अब जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि डिस्टेंस क्या कर दिया है, उसने हाफ कर दिया है। तो डिस्टेंस हाफ हो गया है तो F2 विल बी इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में आर बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू तुमको दिख रही होगी, ये क्या है फोर्स टू, यानी कि कितना फोर्स हो जाएगा रिड्यूस करने पे। तो अब तुमको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो यानी 4 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, तो F2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 न्यूटन। कहाँ से लेके आए इसको, फ्रॉम फर्स्ट। तो आंसर आ गया आपका 40 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। व्हाट एजम्पशन हैव यू मेड। अप्रोक्सीमेट वेट लिखना है बॉडी का जिसका मास 5 kg है, और क्या एजम्पशन तुमने लिया वो भी बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मास गिवन है आपको, दैट इज 5 kg। आपको मालूम है कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे देखो एजम्पशन यही होगा कि जी इज इक्वल टू 10 m/s², यही हमारा क्या है एजम्पशन है। ठीक, तो ये हमारा एजम्पशन हो गया। तो वेट इज इक्वल टू मास दैट इज 5 kg इंटू ग्रेविटी दैट इज 10, यानी कि कितना हो गया वेट 50 न्यूटन आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इन किलोग्राम फोर्स एंड न्यूटन, और जी की वैल्यू पहले ही गिवन है कि 9.8 m/s² लेनी है। तो मास दिया हुआ है तो किलोग्राम फोर्स में भी निकालना है और न्यूटन में भी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब यहाँ पे मास तुमको दिया हुआ है 10 kg, आपको जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 m/s². अब पहले निकालना था आपको किलोग्राम फोर्स में, तो जो वेट हो जाएगा ऑफ बॉडी वो सेम हो जाएगा 10 kg फोर्स। बी वाला है कि अगर उसको निकालना है हमको न्यूटन में, तो अब वेट हो जाएगा न्यूटन में निकालना है तो मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना है 10 kg का और जी की वैल्यू 9.8, तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। तो ये दोनों हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो कि एक्ट कर रही है ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg और टेक जी इज इक्वल टू 9.8 m/s². आपको मालूम ही होगा कि डायरेक्शन जो ग्रेविटी का कैसा होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिया हुआ भी है। हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो
तुमसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, मास कितना दिया है बॉडी का, दैट इज इक्वल टू 5 kg। जी की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 9.8 m/s². आपको क्या निकालना था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी पे जो लग रही है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी, और वेट के लिए आपको मालूम है दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास 5 kg का है, जी की वैल्यू 9.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 49 न्यूटन। डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द वेट ऑफ बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी, जी इज इक्वल टू 10 m/s² है दिया हुआ है। तो वेट दिया हुआ है, मास हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो वेट पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 2 न्यूटन। मास नहीं मालूम आपको, और जी की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 10 m/s² लेनी है। आपको मालूम है कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, वेट की जगह पे 2 रख दिया, मास कैलकुलेट करना है, और यहाँ 10 हो गया, तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/10, यानी कि एम इज इक्वल टू 0.2 kg। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 m/s², कि जो वेट है बॉडी का अर्थ पे वो 98 न्यूटन है, जहाँ पे कि जी की वैल्यू 9.8 m/s² है। व्हाट विल बी इट्स मास, मास कैलकुलेट करना है, और वेट ऑन मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 m/s². क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे वेट ऑलरेडी दिया हुआ है 98 न्यूटन, जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 m/s². आपको निकालना है किसका वैल्यू, मास की वैल्यू निकालनी है कि मास कितना होगा। आपको मालूम है वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, तो वेट दिया हुआ है 98, मास कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू दी हुई है 9.8, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98/9.8, 0 पुट करेंगे, 98 1 जा 98 10 जा, यानी मास कितना आ गया आपका, 10 kg। अब ये मास आ गया, अब सेकंड कंडीशन कह रहा है, मून की बात कर रहा है, तो ऑन मून मास तो चेंज होने वाला है नहीं, दैट इज कांस्टेंट, और जी की वैल्यू दी हुई है मून पे कितना है, 1.6 m/s², ठीक है। तो ऑन मून, मून के ऊपर वेट कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, तो मास वही रहेगा, और ग्रेविटी कितनी, 1.6, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, दैट इज 16 न्यूटन। तो मून पे कितना होगा, 16 न्यूटन वेट होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट वुड बी हिज अप्रोक्सीमेट वेट ऑन मून, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो जो मैन है उसका वजन 600 न्यूटन है अर्थ पे, तो उसका कितना वेट होगा मून पे, आपको रीजन भी देना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7th है हमारा, अब 7th नंबर क्वेश्चन में उसका वेट दिया हुआ है 600 न्यूटन ऑन अर्थ। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसका वेट कितना होगा मून पे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सिंस जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ऑन अर्थ, ठीक है। तो जो आपको मालूम है कि जो ग्रेविटी है मून पे वो 1/6 है ग्रेविटी ऑन अर्थ के, और आपको मालूम है कि ऑल्सो एम इज इक्वल टू, या फिर कह सकते हो कि मास इज कॉन्स्टेंट, तो देयर फोर वेट ऑन मून विल बी इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ कितना है, 600, तो यानी कि मून पे कितना हो जाएगा इसका वजन, 100 न्यूटन हो जाएगा। मास कांस्टेंट होता है तो इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर ग्रेविटी 1/6 हो रहा है तो उसका वेट भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो वेट ऑन मून कितना आएगा उसका, 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg, टेक जी इज इक्वल टू 10 m/s²,
व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है और वेट ऑफ ब्लॉक निकालना है जिसका मास दिया हुआ है 10.5 kg, ठीक है, और जी की वैल्यू हमको 10 m/s² लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम अपना। अब 8th क्वेश्चन में देखो, मास की वैल्यू दी हुई है दैट इज 10.5 kg, जी की भी वैल्यू दी हुई है दैट इज 10 m/s² है। अब यहाँ पे पहला पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी। भाई सेम होता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि वो फोर्स होता है कि जिससे कि वो मास इज बीइंग पुल्ड बाय अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फोर्स विथ विच मास इज बीइंग पुल्ड बाई अर्थ। तो वेट ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो मास कितना है? 10.5। जी की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो कितना आ गया? 105 न्यूटन। अब वेट क्या होता है? तो भाई वेट भी वही होता है सेम, तो वेट भी इसका कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो सेम है आपका 10.5 × 10 दैट इज इक्वल टू 105 न्यूटन। तो दोनों वैल्यूज सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। एक बॉल रिलीज किया गया किसी हाइट से और वो ग्राउंड पे रीच करता है 3 सेकेंड में, और जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवेन है 9.8 m/s². फाइंड करना है द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज रिलीज्ड, कि किस हाइट से बॉल को गिराया गया, और सेकेंड है कि द वेलोसिटी विथ विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे स्ट्राइक करने के टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई बॉडी है किसी हाइट से जो है फॉल डाउन कर रही है, और ये आपका पूरा हाइट है। इनिशियल स्पीड जो रही होगी वो 0 रही होगी क्योंकि उसको ड्रॉप किया जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है और जी की वैल्यू दी हुई है दैट इज 9.8 m/s², ठीक है, और आपको टाइम भी दिया हुआ है इसमें, है ना, क्या दिया हुआ है? टाइम। टाइम कितना लगा है इसको? 3 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे। आपने थ्योरेटिकल में एक फॉर्मूला देखा था कि एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो आपको मालूम है कि इनिशियल स्पीड 0 है, तो 0 × t कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम चाहें तो एच इक्वल टू डायरेक्टली हाफ जी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हाफ कर दिया, जी की वैल्यू 9.8, टाइम का स्क्वायर कर दिया यानी 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 × 1 = 2, 4.9 जा, ठीक है, तो 4.9 × 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, 9×9 = 81, और ये कितना आ जाएगा? 44.1 m। ये आ गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इतना ही कवर किया उसने, मतलब हाँ डिस्टेंस इतना कवर किया यानी कि इतनी हाइट से हमने इसको गिराया है। अब आपको इसमें और क्या पता करना था? फाइनल वेलोसिटी पता करनी थी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो u प्लस gt हो जाएगा। अब आपको मालूम है u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमको, ये 0 हो गया, g की वैल्यू 9.8 और टाइम कितना दिया हुआ है? 3, तो 98 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29.4। तो वेलोसिटी कितनी आ गई स्ट्राइक करते टाइम? 29.4 m/s। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास ऑफ 5 kg इन योर हैंड, स्टेट द एजम्पशन। एजम्पशन बताना है कि कितना फोर्स लगेगा आपके मसल्स के ऊपर जो कि चाहिए अप्लाई करने के लिए, होल्ड करने के लिए एक मास जो है 5 kg का आपके अपने हाथों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो आप को यहाँ पे दिया हुआ है मास इज इक्वल टू 5 kg, और एक चीज आपको मालूम होगी कि 1 kg फोर्स होता है इक्वल टू 9.8 N के, और ये 9.8 N क्या होता है? फोर्स ऑन 1 kg मास, यानी 1 kg के मास पे कितना फोर्स लगता है? 9.8 N का फोर्स लगता है। तो अब यहाँ देखो स्टेटमेंट सही कर लेते हैं कि टू होल्ड 1 kg मास, 1 kg का मास होल्ड करने में फोर्स कितना चाहिए? तो फोर्स नीडेड दैट इज इक्वल टू 9.8
8 न्यूटन पर केजी, यही फोर्स चाहिए भाई, 9.8 न्यूटन पर केजी चाहिए हमको ये फोर्स 1 केजी का मास होल्ड करने के लिए। तो देयर फोर टू होल्ड 5 केजी मास, तो अगर 5 केजी का मास रहेगा तो कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो 5 केजी के मास के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी 9.8 × 5 न्यूटन पर केजी, यानी कि आपको कितना ज़रूरत पड़ेगा, 49 न्यूटन का, यानी कि 49 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे एजम्पशन की बात कर रहा है, तो एजम्पशन आपने क्या लिया है, आपने एजम्पशन ली है जी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 9.8 m/s², यही आपका क्या है, एजम्पशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, इट गोज टू अ हाइट 20 m, 20 m की हाइट तक जाता है एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड, फिर ग्राउंड पे वापस आ जाता है। टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टू बी 10 m/s², जी की वैल्यू दे दिया। फाइंड करना है आपको इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि फेंका गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड कि ग्राउंड पे पहुंचते टाइम कितना फाइनल वेलोसिटी था, फिर टोटल टाइम ऑफ द जर्नी निकालना है आपको ऑफ द बॉल, यानी कि आने का फिर वापस आने का। अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो फॉर बॉल थ्रोन अपवर्ड, जब बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है तो आप देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, जी इज इक्वल टू -10 m/s² लगेगा क्योंकि ये बॉल ऊपर जा रहा है, तो जी की वैल्यू कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल लग जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम जो हमको निकालनी है, हाइट टोटल दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 20 m, ठीक है, हाइट भी इसमें गिवन है। अब आपको मालूम है यहाँ पे सारी वैल्यूज तो आपको दिख गई, एक फॉर्मूला है आपके पास v² - u² इज इक्वल टू 2as की जगह यहाँ क्या हो जाता है, gh। अब v की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2 × अब g की वैल्यू कितनी लेंगे, -10 × 20, तो माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 2 × 2 = 4, माइनस का 400, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर इक्वल टू 400, यू की वैल्यू √400, यानी आ गया आपका 20 m/s, यानी कि उसको किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया था, 20 m/s की वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर फेंका गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट कि वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड कि जब वो बॉल ग्राउंड पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब यहाँ पे देखो जो बॉल है अब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका था, ठीक है, अब वहां से गिरना शुरू हुआ है, यानी कि जब मैक्सिमम हाइट पे था तो इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0। अब ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है तो पॉजिटिव का 10 m/s². अब स्ट्राइक करने पे क्या वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी होगी जो कि हमें नहीं मालूम है और वही कैलकुलेट करनी है। हाइट कितना होगा भाई, सेम होगा 20 m, जितना ऊपर गया उतने ही ऊपर से नीचे आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो आप v² - u² = 2 gh का। अब यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू निकलनी है और यहाँ पे यू स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी है, 0 = 2 × 10 × 20, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 400, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, वी इज इक्वल टू √400 दैट इज इक्वल टू 20 m/s, यानी कि स्ट्राइक करते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, ग्राउंड को स्ट्राइक करते टाइम 20 m/s थी। अब सबसे पहली बात आपको, अब लास्ट क्या है कि टाइम निकालना है आपको, ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि व्हेन बॉल ड्रॉप्ड, जब बॉल को गिराया गया, इनिशियल स्पीड उसकी 0 अभी फिलहाल ही जो लिए हैं, टाइम नहीं पता है, हाइट 20 m पता है। अब यहाँ से h इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं ½ gt², ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ut करेंगे तो u की वैल्यू 0 है, टाइम से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू ½ gt² कर देते हैं फ्री फॉल के लिए।
तो 1/2 जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई, मालूम ही नहीं है। हाइट कितनी है? 20। 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 20/5, ठीक। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 5 1 जा 5 4 जा, कितना आ गया? अंडर रूट, अरे अभी अंडर रूट कहाँ से लगाएंगे, 4 आ गया। तो टी इक्वल टू रूट 4, दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 आ गया। और कब वो नीचे गिरने का? तो आपको मालूम ही है कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो देयर फोर टोटल टाइम ऑफ जर्नी विल बी इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड जाने में लगा और 2 सेकेंड आने में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। और जी की वैल्यू बता दिया है कितना लेना है, कि बॉडी को ड्रॉप किया गया है किसी टावर के ऊपर से और वो एक्वायर कर लेती है वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड जब वो रीच कर रही है ग्राउंड पे। क्वेश्चन नंबर ये 12th है हमारा। अब देखो इसमें इनिशियल स्पीड 0 रही होगी क्योंकि उसको ड्रॉप कर किया जा रहा है। जी की वैल्यू पहले ही बता दिया है बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को। फाइनल वेलोसिटी जो एक्वायर कर रही है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाइट आपको निकालनी है। अब देखो यू से जी से वी से एच से कौन सा फॉर्मूला बनता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। वैल्यूज पुट करो तो वी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ले ही लो 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यू का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 2 × 10 × h, ये कितना आ गया? 400, 0 है कुछ नहीं हुआ, तो 20h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 400/20, यानी कि 200 × 20 जाए, यानी कि 20 आ गया। यानी कितनी ऊपर से फेंका गया? 20 मीटर की हाइट से उसको फेंका गया है। तो टावर की हाइट कितनी आ गई? 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रिटर्न 6 सेकेंड लेटर, कि जब बॉल को फेंका गया ऊपर तो वो 6 सेकेंड बाद लौटता है। अब कैलकुलेट करना है ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कि मैक्सिमम कितनी ऊपर तक गया, और फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जिसके साथ उसको फेंका गया था, और जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो, आपको एक चीज पता है कि टाइम ऑफ एसेंट हमेशा इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो जब टोटल टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है तो डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए जो टाइम होगा विल बी इक्वल टू 6/2, यानी कि 3 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइट कितनी है हमको ये भी नहीं पता है, जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जब डाउनवर्ड आ रहा था तो देखो पहले मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया होगा बॉल, है ना, पहले मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया होगा, फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा होगा, तो यू इक्वल टू 0, है ना। एच हमको नहीं पता, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये पूरी हाइट है। तो अब यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फ्री फॉल हो रहा है ना यहाँ पे, तो एच इज इक्वल टू 1/2 gt² लगाते हैं। तो 1/2, यू की वैल्यू 0 है तो यू टी मालूम ही है कि फ्री फॉल के लिए 1/2 gt² हो जाएगा एच। तो जी की वैल्यू आपकी 10 दी हुई है और टाइम का स्क्वायर यानी 3 सेकेंड का स्क्वायर, 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि 5 × 9 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। समझ में आ गया? एच यानी कि कितने हाइट से वो गिर रहा है? 45 मीटर, तो उतनी ही हाइट तक गया होगा जितनी हाइट से गिर रहा है। कैसे निकाला हमने? पहले टाइम देख लिया और टाइम वापसी का लिया हमने डाउनवर्ड मोशन का। अब देखो सेकेंड वाली बात कह रहा है, तो यही जितना ऊपर से आया वही ग्रेटेस्ट हाइट रीच किया भी सेम ही होगा। अब सेकेंड वाला बी वाला पार्ट देखते हैं। अब जब अपवर्ड मोशन हो रहा था, ठीक है, अपवर्ड मोशन में हाइट तो तुमने निकाल ली कि 45 मीटर तक, जी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 10 मीटर आए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी
हमको नहीं पता है ठीक है किसके साथ फेंका गया, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई होगी। ठीक, अब यहां से फॉर्मूला लगा लो वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का, तो इससे भी निकल जाएगा यू की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, निकालनी है। वी की वैल्यू कितनी है जीरो है, तो यू निकालना है, और जी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, ठीक है, इनटू टाइम कितना लगा 3, तो यू इज माइनस 30 इज इक्वल टू जीरो, यानी यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल स्पीड जिससे इसको फेंका गया तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। फर्दर क्वेश्चंस हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।